हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का अध्ययन करेंगे। मानस और थॉमस अपनी अध्यापिका के जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए उपहार खरीद लाए हैं। थॉमस, चलो हम इस उपहार के डिब्बे को रंगीन कागज से ढककर सजा लें। मानस और थॉमस दोनों रंगीन कागज खरीदने पहुंच गए। हमें ये डिब्बा सजाने के लिए रंगीन कागज दीजिए प्लीज। रंगीन कागज का मूल्य 1 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तुम्हें कितना कागज चाहिए? अरे मानस, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें डिब्बे को सजाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी? थॉमस, इस प्रश्न का उत्तर हमें गणित के जरिए मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। थॉमस, क्या तुम बता सकते हो कि ये डिब्बा किस आकार का है? ये डिब्बा एक घनाभ क्यूबॉइड है। बिल्कुल ठीक। मान लो इस डिब्बे की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। यदि हम इस घनाभाकार डिब्बे को काटकर और खोलकर समतल कर देते हैं तो उसका जाल नेट बन जाएगा और वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। चलो हम पहले ये पता लगाएं कि सतह एक को ढकने के लिए हमें कितने कागज की आवश्यकता होगी। किसी भी सतह को ढकने के लिए लगने वाले कागज का नाप उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। सतह एक तो आयताकार है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई H है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई या L गुणा H होगा। और देखो थॉमस, जैसे कि तुम जानते हो, घनाभ की सतह 1 और सतह 4 तो सर्वांग सम है। इसका मतलब सतह 4 को ढकने के लिए भी हमें L गुणा H कागज की ही आवश्यकता होगी। अरे वाह मानस, हमने दो फलकों को ढकने के लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया। अब चलो हम सतह 3 को ढकने के लिए आवश्यक कागज भी ज्ञात कर लें। ये फलक भी आयताकार है और इसकी लंबाई B और चौड़ाई H है, इसलिए इसे ढकने के लिए हमें B गुना H कागज की आवश्यकता होगी। और देखो, फलक 3 और फलक 5 भी सर्वांग सम है। इसका मतलब हमें सतह 5 को भी ढकने के लिए B गुणा H कागज की आवश्यकता होगी। थॉमस, अब ये दो बची हुई फलके भी तो सर्वांग सम ही हैं, और इन्हें ढकने के लिए हमें उनके क्षेत्रफल L गुणा B के बराबर कागज की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो हमें इस घनाभाकार डिब्बे को ढकने के लिए आवश्यक कागज ज्ञात करने के लिए केवल इन 6 सतहों के क्षेत्रफलों का योग करना होगा। और थॉमस, क्या तुम जानते हो, किसी भी त्रिमीय आकार के सभी फलकों के क्षेत्रफलों के योग को उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। मानस, क्या हमें किसी भी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ढूंढने के लिए हर बार इतनी लंबी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा? मुझे तो ये सोच के ही चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं थॉमस, चलो हम इसे सरल तरह से लिखकर इस तरह से घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र बना लें। और थॉमस, क्या तुम एक और दिलचस्प बात जानते हो? किसी भी घनाभ के तल एवं शीर्ष फलकों को छोड़कर जो फलके बचती है उनके क्षेत्रफल के योग को हम उस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ये तो बहुत रोचक है। इसका मतलब इस लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H के घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इन 4 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। लेकिन इनमें भी सर्वांग सम फलकों के 2 युग्म हैं, इसलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मानस, हमें घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी मिल गया।
मैं इन सूत्रों में अपने डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 3 और 12 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। देखो थॉमस, हमारे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 252 वर्ग सेंटीमीटर है और डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया 216 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें अपने घनाभाकार डिब्बे को पूर्णतः ढकने के लिए 252 वर्ग सेंटीमीटर का कागज लगेगा। मानस, आज हमने दो नए सूत्र सीखे। चलो मैं इन्हें जल्दी से अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। चलो अब हम वापस लौटकर इस डिब्बे को सुंदर रंगीन कागज से सजा ले और अपनी अध्यापिका को दे दे। दोनों दोस्तों ने मिलकर उस उपहार को सुंदर रंगीन कागज से सजाकर अपनी अध्यापिका को तोहफे में दे दिया। दोस्तों, यदि एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं? हम इस प्रश्न का हल अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इसका हल ढूंढने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में आज हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।